हाथरस की दलित बेटी के लिए दलित समाज उतरा सड़क पर, निकाला कैंडल मार्च। हाथरस की दलित युवती के साथ हुई धरंधगी के बाद दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल में हुई मौत के बाद दलित समाज में भारी गुस्सा है, जिसके विरोध में दलित समाज के लोग आज सड़क पर उतर आए और प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए हाथरस की दलित बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए मुरादाबाद की सड़कों पर कैंडल मार्च निकालते हुए शहर के सबसे व्यस्तम पीली कोठी चौराहे पर पहुंचे और हाथरस की दलित बेटी के पोस्टर के सामने मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। वही इस कैंडल मार्च में शामिल दलित महिलाओं ने प्रदेश और देश की सरकार से इस मामले में न्याय की गुहार लगाई। इन्होंने दोनों सरकारों से आग्रह किया कि अगर जल्द ही दलित बेटी मनीषा के कातिलों को पकड़कर कड़ी सजा नहीं दी गई तो देश का दलित समाज एक बड़ा आंदोलन छेड़ने को मजबूर होगा। ये 14 सितंबर सन 2020 की घटना जो घटी है, जो हाथरस में एक हमारी दलित की बेटी बहन मनीषा के साथ जो दरिंदों ने दरिंदगी की है, उसके साथ दरिंदगी करने के बाद भी उसकी निर्मम हत्या कर दी गई और उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, उसके साथ दुष्कर्म करा गया, उसकी यहाँ तक कि उसकी जवान तक काट दी गई। जब उनका दिल नहीं भरा तो कि ये हमारे खिलाफ कोई ऐसी आवाज़ ना निकाल दे या हमारे नाम ना बता दे, उसकी जवान तक काट दी गई है और आज वो बेटी इस दुनिया से अलविदा कह चुकी है। वहाँ के हाथरस के प्रशासन ने भी उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। अगर उसके ऊपर ध्यान दिया होता तो वो आज बेटी शायद जिंदा होती और उस बेटी का को मरे हुए 2 दिन हो गए हैं आज। जो हमारे दलित समाज में ये रोष फैला हुआ है कि अगर इस तरीके से ही ये दरिंदगी होती रही तो जाने कितनी मनीषा मरेंगी और कितनी मनीषाओं के साथ ऐसा दुष्कर्म होगा और जो दुष्कर्मी है उनके हौसले बुलंद होंगे। आज ये हमारा वाल्मीकि समाज और जो भी दलित समाज है सड़कों पे उतरा है और बहन मनीषा को इंसाफ दिलाएगा और ये लड़ाई मुरादाबाद से शुरू हुई है, ये पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे भारतवर्ष में ये लड़ाई फैलेगी और बहन को हम अपनी न्याय दिलाएंगे। जो यूपी सरकार से हम चाहते हैं कि यूपी सरकार जो वादे करती है दलितों के लिए, जो दलितों के दिखावे करती है, तो वो दिखावे उत्तर प्रदेश सरकार के नहीं चलेंगे। सिर्फ दलितों को न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए, उनका हक चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश सरकार अगर हमारी इस बात को नहीं मानती है, हमारे इस प्रकरण पर ध्यान नहीं देती है, तो हम एक जन आंदोलन छेड़ेंगे और उत्तर प्रदेश में इसकी चिंगारी बहुत फैलेगी। अभी पीछे जो है यूपी सरकार से एक फरमान जारी करा गया जिसमें उन्होंने बोला था कि जो दोषी होते हैं उनके जो है पोस्टर जगह जगह लगाए जाएंगे चौराहे पर। क्या लगता है जिस तरह से आज आप मनीषा के लिए आप पत्र हुए, क्या लगता है कितना इसका असर रहेगा? इसका कोई भी संज्ञान उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं लिया गया है। कोई भी पोस्टर कहीं भी नहीं लगे हुए हैं, आप मुरादाबाद में ही देख लीजिए। पोस्टर से लगता है पोस्टर लगाने से कुछ नहीं होता। सिर्फ जो दलित हैं वो जो दरिंदगे हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए और उनको फांसी की सजा होनी चाहिए ताकि हमारी कोई बहन इस तरीके से दरिंदगी कोई ना कर पाए।